क्या बात है बेटा, क्या हुआ? दिल्ली ले चलो, दिल्ली चलेगा, दिल्ली क्या हुआ, क्या हुआ? ओ ये देखो गाइस, कुत्ता हमारे साथ साथ भाग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एबी 7000 व्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी चलते हैं गाइस, फिर निकलेंगे हम यहाँ से एक और सरप्राइजिंग लोकेशन के लिए, जो बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला आप लोगों के लिए। मस्त आ रहा तेरी ऊपर देखो रे, ऊपर देख बस, सोया विजय ऊपर दे। तो गाइस ये हमारा पेंगोंग लेक पे देखो अपना सुबह का ब्रेकफास्ट बनता हुआ, खुद ही बना रहे हैं हम लोग चाय वगैरह सारी चीज। और गाइस आज हमें निकलना है यहाँ से एक जबरदस्त लोकेशन के लिए हैनले, जो कि पूरा आपको मिल्की वेव जहाँ से हम दिखाएंगे। तो उससे पहले अपना चाय बन रही है यहाँ पे, ये पेंगोंग लेक की देखो सुबह सुबह मॉर्निंग, बिल्कुल साफ लेक बिल्कुल, और गाड़ी अपनी ये खड़ी। अभी बस यहाँ से निकलेंगे हम थोड़ी देर में, बस उसके बाद पूरी जर्नी दिखाएंगे आपको, जितना भी रोड का सारा कुछ होगा टोटली, और पेंगोंग लेक का लास्ट भी दिखाएंगे आज आपको इसी व्लॉग में। गाइस देखो इस सामने जो बर्फ जमी हुई है ना पेंगोंग लेक में, यहाँ पे इंटरनेशनल स्केटिंग का जो है ना कॉम्पिटिशन होता है, टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं। देखो ये जो पूरी जम जाती है ना, ये सामने जो है पेंगोंग लेक हो चुकी है खत्म, यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न ले लिया है, यहाँ से सीधी चाइना जा रही है, क्योंकि जो 140 किलोमीटर की लेक है उसमें से 40 किलोमीटर तो इंडिया के पास और 100 किलोमीटर है चाइना के पास। तो ये सामने चाइना बॉर्डर क्रॉस करके जाएगी सीधा विदाउट वीजा। तो गाइस अब काफी प्लेन रास्ते के बाद अब आ चुका है पूरा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता। ये देखो हम जहाँ जा रहे हैं वो जो हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन है, और पीछे बाइकर्स आ रहे हैं, देखो हमारे पीछे बाइकर्स भी है, सारा ग्रुप है बेंगलोर का। और ऐसा ही रास्ता है भी है, इसके बाद में जहाँ पे रोड आता है वहाँ पहुँच के मिलते हैं। बाकी भाई यहाँ पे ठंड, हवा तेज लगती है, वैसे तो ठंड नहीं लग रही यहाँ पे, इसलिए हमने अपना यहाँ पे डाल दिया है भैया। ये देखो बस को ओके रिपोर्ट है अभी, ओके ओके रिपोर्ट भाई, हाँ बड़ा ठीक है, देखो मजा आ रहा है। हाँ तो ऐसा ही हम अपना इंजॉय लेते हुए चलेंगे। ये देखो गाइस बेहतरीन नज़ारे हैं, देखो अभी जब हम पहुंचेंगे ड्रीम डेस्टिनेशन पे देन आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या चीज़ लेकर के आए हैं आपके लिए। और गाइस रास्ता देख लो बिल्कुल ऑफ रोडिंग है टोटली, और ये देखो थार वाला अभी गया है, तो भाई पूरा रेत रेत उड़ा के, मतलब थार गई है और स्पीड में थी ना, और ऑफ रोडिंग है तो वहाँ पर रेत तो उड़ता ही उड़ता है। बाकी ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेम चलता है ना लैपटॉप वगैरह में या किसी पीसी में या फिर अपना PS4 में जो गेम चलते हैं, बिल्कुल वही वाला लुक आ रहा है देखो सारा। और गाइस देखो जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बीच में हमारे फौजियों का देखो एक वो बना हुआ है कैंप, ये भारत का झंडा देखो, और ये पूरा एक वॉर मेमोरियल बनी हुई है यहाँ पे सारा बेस कैंप, और गाड़ी आ चुकी है। अभी आपको इसके भी दिखाते हैं कि इसकी हिस्ट्री बताते हैं क्या है, चाइना से जो वॉर हुई थी ना वो है, फौजी आर्मी हमारी जाती हुई। गाइस देखो रोड का काम करके आई है गाड़ी में आया ना, घड़ी देर तुम्हारे लटकी रही तेरी भी। और वो देखो गाइस कितनी बाइक आ रही है पीछे देखो, ओ भाई साहब कितनी कुछते है ना, ये देखो भाई ये हमारी गाड़ी आ गई और पीछे बाइकर्स आ रहे हैं। देखो गाइस कितनी बाइक आ रही है पीछे देखो, पूरा ऑफ रोड ट्रैक है ये, पूरा जहाँ पे हम जा रहे हैं ना पूरा ऑफ रोड ट्रैक भाई। बगंदा क्या बात है बेटा, क्या हुआ? दिल्ली ले चलो, दिल्ली चलेगा, दिल्ली क्या हुआ, क्या हुआ? ओ ये देखो गाइस कुत्ता हमारे साथ साथ भाग रहा है, ओ चाइना कुत्ता, चाइना करो को यार, इसे बिस्किट दे दे, शायद ये भूख लग रही है इसे, गाड़ी के टायर पे आ जाएगा, ये टायर पे आ जा कर ये सास टायर पे आया भाई पक्का। ये देखो गाइस ये देखो, ए चल गाइस ये हो क्या रहा है भाई, कुत्ते को देखना, हम कितनी गाड़ी भगा रहे हैं, बट हम रुक पाए जाते। गाइस देखो पहाड़ पे नीचे से लेके और ऊपर तक कितने बंकर है देखो फौजियों के, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सामने पूरी फोर्स बैठी है इंडिया की हमारी, क्योंकि चाइना यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर है ना बॉर्डर, इसलिए पूरी फोर्स बैठी है। तो
गाइस देखो ये हमारी जो बटालियन है पूरी इंडियन आर्मी ऊपर, और ये सारी कैलाश रेंज है, कैलाश पर्वत उसकी रेंज है ये पर्वत, तो काफ़ी दूर है यहाँ से। ये देखो पूरी ये सब कुछ भाई यहीं पे जान निछावर करके आते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, क्योंकि कैलाश पर्वत को चाइना पिछले सालों साल से वो कब्जाना चाहता है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको पीछे से बर्फ है, ये टोटली कैलाश पर्वत की। तो गाइस देखो अभी हमें याक भी मिल गए हैं, देखो कितने सारे भाई, कितने सारे याक है देखो याक। हाँ भाई तू आ जा, याक देखो कितने कितने, एक दो तीन चार पाँच, गिने नहीं जाएंगे यार ये चाइना वालों के, तो नहीं आगे निकल के कुपरी में तो लोग जाते हैं याक देखते हैं भाई, लेकिन ये प्योर याक है देखो। पूरा ऐसे लग रहा है जैसे देखो दुबई में हम चल रहे हैं, ये देखो पूरा भाई पूरा ऊपर पहाड़ है नीचे रेगिस्तान है, ये गजब का मतलब नज़ारा है, ये मिलता नहीं है कहीं, मतलब आसानी से तो मिलता नहीं है, इसके लिए भाई आपको आना ही पड़ेगा लेह लद्दाख। ये देखो तो हम जब 8th क्लास में थे ना तो 7th-8th में एक चैप्टर था हिंदी का, मतलब एक वो था लद्दाख की हिस्ट्री थी, जो एक अकेला लड़का ना पूरे पहाड़ों पे जा जाके उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तो ये सब मैं इमेजिन मतलब करता था, बट अभी हकीकत में देख लिया तो मैं समझ रहा हूँ कि कैसे कैसे वो गया हुआ। तो ये भाई एडवेंचर सच में, ये एडवेंचर है यार। ये देखो राजस्थान के लोग पागल हो रहे हैं, देखो इनके ये राजस्थान के पीछे वाले राजस्थान भी है क्या, ये देखो दोनों गाड़ी राजस्थान की है भाई। तो गाइस जहाँ हम जा रहे हैं वो अपना जगह पड़ती है लगभग 170 किलोमीटर पेंगोंग लेक से, और उस डेस्टिनेशन पे और इसके बीच में कोई पंप नहीं है, तो थोड़ा सा 20 किलोमीटर आउट चलना पड़ता है, डूबा एक जगह पड़ती है वहाँ पे पेट्रोल पंप है। अभी डीजल हमारा वैसे आधी चल गया, बट फिर भी उतना ले लेना चाहिए, तो गाड़ी का हाल देख लो क्या हो चुका है। ये देखो मैं 100 किलोमीटर जो था ना ऑफ रोडिंग करके आई है गाड़ी 100 किलोमीटर, ये देखो गाड़ी। तो अभी हम लेह के बाद गए थे पेंगोंग से हम ये सीधा इस वाले रूट को लेकर के अब हम वापस जा रहे हैं मनाली की तरफ, बट जो बीच में डेस्टिनेशन है वो अलग है, वो अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे तो तब आपसे मुलाकात होती है। पेट्रोल पंप देख लो छोटा सा पंप है यहाँ पे, इसलिए हम डाल देते हैं इसमें पेट्रोल, सॉरी अपना इसमें डीजल डाल देते हैं क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं है। सारे टूरिस्ट देखो यहीं पर आ रखे हैं, सब यहीं पर आ रखे हैं देखो सब लोग। तो यहाँ पे कितना रुपये लीटर है पेट्रोल, कहाँ से आए भाई आप लोग, जलंधर? नहीं नहीं अभी नहीं, वैसे जलंधर से। तो अभी कहाँ जा रहे हो, अच्छा वापस जलंधर जा रहे हो। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अभी हैनले विलेज में, और अभी हम रूम्स यहाँ पे सर्च कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मिलते नहीं है जल्दी से। तो हैनले जो है गाइज वो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक 14,300 समथिंग फीट की ऊँचाई पर स्थित है, और हैनले को ना द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दुनिया की दूसरी ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ से मिल्की वेव और स्टारी नाइट्स दिखती हैं। और यहाँ पे नासा का स्पेस सेंटर भी है जो कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला नासा का स्पेस सेंटर था गाइस। तो आज वही रात को आपको मैं दिखाने वाला हूँ सारी मिल्की वे। गाइस हम पहुँच चुके हैं भाई डेस्टिनेशन पे अपनी हैनले, और बता देता हूँ हैनले पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ना बहुत बुरा हाल है, रूम्स नहीं है बिल्कुल भी, सारे टोटल सोल्ड आउट है क्योंकि ऑप्शन भी कम है, पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो ये सामने आपको ऐसे ही घर बन रहे हैं ना, इस तरह के यहाँ पे होम स्टे हैं, ठीक है। ये गाड़ी भी देखो अपना घूम रही है, सब ढूंढ रहे हैं, अभी हम ढूंढेंगे यहाँ पे, अभी बात कर रहे हैं देखो हम यहाँ पे आंटी से। हाँ खाना अपना बना लेंगे, तो अभी देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि यहाँ का जो असली व्लॉग है वो तो नाइट में शूट होगा, तो अभी बताता हूँ कि क्या होने वाला है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रूम के अंदर, फाइनली रूम मिल चुका है बड़ी मुश्किल से, बहुत मिन्नतों के बाद रूम अच्छा मिला है, ये हमारी खुशनसीबी है देखो सारी चीज़। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा वो सारी 6 बंदों की जो भी है, वॉशरूम भी इसका बड़ा है देखो बिल्कुल खुला, तो सो जा बिल्कुल खुला हुआ है वॉशरूम। तो गाइस अब हो चुकी है रात, और हम जहाँ पे हैं वो है हैनले, मैंने आपको बताया था, तो जहाँ से पूरा मिल्की वे दिखता है वो मैं अभी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन ठंड है तो पहले अपनी लेयर पहन लेते हैं, उसके बाद में सारा बाहर का जो है ना पूरा वो ब्लॉग जो शूट होगा वो दिखाते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं भाई हम, क्योंकि हैनले देखो ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है रात में, तो हैनले के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। हैनले
हेलने में जो मिल्की वे है वो वन ऑफ द क्लियरेस्ट और स्टेरी नाइट्स के लिए फेमस है, जो कि पूरे वर्ल्ड का नंबर वन एंड ओनली और नासा का एकमात्र जो एशिया का पहला प्रोजेक्ट था, पहला स्टेशन था वो है। तो देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे में तो शायद आएगा या नहीं आएगा। ये देखो मिल्की वे पूरी पूरे में मिल्की वे है। अब जो आँखों से दिख रहा है वो तो दिख रहा है लेकिन कैमरे में कम आता है, तो जितना अभी हो पाता है वो दिखाता हूँ पहले आपको। और अभी हम खड़े हैं भाई, 12:30 बज रहे हैं और ये मेरे साथ में देखो अभी खड़ा है, अभी दिख रहा है, आ रहा है मज़ा। तो हम इसी के लिए आए थे और ये हमारी लास्ट लोकेशन थी लद्दाख की। तो अभी भाई ठंड तो हो रही है पूरी, ये देखो गाइस, ये आपको पूरी मिल्की वेव दिख रही होगी यहाँ से, ये हेलने के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकती कहीं भी। और यहाँ पे रात को क्या बोलते हैं नासा वाले जो होते हैं उनका वो चलता है और इंडिया की जो सैटेलाइट्स वगैरह सारा यहाँ पे रात को प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, टेस्टिंग वगैरह। ये देखो तो गाइस देखो, दिखा आपको वीडियो में तो दिखाया मैंने वीडियो में आपको कि पूरी क्लियर दिखती है यहाँ से स्टेरी नाइट, तारे और पूरी गैलेक्सी जो है ना वर्ल्ड में यहाँ के अलावा कहीं पे भी नहीं दिखेंगे क्लियर। इसीलिए एशिया के अंदर में नासा का सबसे पहला स्टेशन था और अभी भी यहाँ पे पूरी रात में सर्चिंग चलती रहती है। और यहाँ पे घरों में काले पर्दे लगाए जाते हैं ताकि उनके कोई लाइट उनके रूम वगैरह की बाहर ना जाए, क्योंकि ऊपर सैटेलाइट घूमती रहती है इसलिए। तो अभी चलते हैं गाइस, अंदर सोते हैं, सुबह निकलेंगे हम यहाँ से लेह से सीधा, सॉरी हेलने से सीधा हम निकलेंगे भाई अपना मनाली होते हुए जिम कॉर्बेट। तो अगर आपको आज का हमारी पूरी जर्नी अच्छी लगी हो और हेलने की रही है नाइट स्टेरी नाइट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू।